वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद द लेटेस्ट अपडेट। ये रिश्ता क्या कहलाता का अपकमिंग एपिसोड होने वाला है, काफी हद तक रोमांचक। तो मैं आ गई हूँ आपके लिए स्पॉइलर अलर्ट लेके। अबीरा को कैसे भी गट के अरमान को घर वापस लेकर आना है, पर अबीरा ने भी दो शर्त रखी है कुंदार हाउस में दोबारा जाने की। पहला शर्त ये होता है कि तुम मेरे मम्मी को कभी भी इंसल्ट नहीं करोगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एंड देन उसके बाद ये शर्त के लिए दादी साहब और साथ ही साथ अरमान दोनों मान जाते हैं। एंड देन उसके बाद जैसे ही बैंड से वापस लाने जाती है दादी साहब और अरमान, तो यहाँ पे अबीरा काफी डांस करते हुए आती है। तो यहाँ पे अरमान बोलता है कि तुम्हें इतना नाच कराने की जरूरत नहीं है घर। तो यहाँ पे वो बोलती है तुम चुप रहो, और ये लोग दोनों भी चुपचाप से रहते हैं ताकि अबीरा चुपचाप से घर वापस आ जाए। एंड देन उसके बाद उसकी सेकेंड शर्त ये रहती है कि जैसे मैं कुंदार हाउस के अंदर कदम रखूँ, उससे पहले दूही को मेरे ऊपर फूलों की बारिश करनी पड़ेगी और बहुत अच्छी तरीके से मेरी स्वागत करनी पड़ेगी, तभी मैं जाके कुंदार हाउस के अंदर जाऊंगी। सो ये दोनों शर्त अरमान मान जाता है। एंड देन उसके बाद जब अबीरा घर के अंदर जाती है तो वो डिवोर्स पेपर अरमान को देती है और ये बोलती है कि इस पेपर में दस्तखत करो और मुझे आजाद करो। सो गाइज, आपको क्या लगता है कि अरमान डिवोर्स पेपर में साइन कर देगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बी विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए चाचा, बाय बाय।